दोस्तों हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन AIEEE 2006 में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दो इंसुलेटिंग प्लेट्स हैं, दोनों को यूनिफॉर्मली चार्ज किया जा रहा है इन सच अ वे दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज V2 माइनस V1 इक्वल्स 20 वोल्ट। मतलब यहाँ की पोटेंशियल हायर है और यहाँ की पोटेंशियल लोअर है एंड वी आर गिवन दैट V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। और ये आप अपने से आगे बोला भी जा रहा है प्लेट 2 इज एट हायर पोटेंशियल। फाइन, द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d इक्वल 0.1 मीटर। जो सेपरेशन है प्लेट्स के बीच में वो 0.1 मीटर है एंड कैन बी ट्रीटेड एज इन्फिनेटली लार्ज प्लेट्स लेके चलना है। एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट ऑन द इनर सरफेस ऑफ प्लेट 1। यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। व्हाट इज इट्स स्पीड व्हेन इट हिट्स प्लेट 2? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो ये लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करेगा। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो हायर टू लोअर मूव करते हैं। नेगेटिव चार्जेस ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल पॉइंट टू हायर पोटेंशियल पॉइंट। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी वो हमें निकालना है, तो एनर्जी कंजर्वेशन कर दो भैया। सिंपल सवाल है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बराबर कर देंगे हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। सिंपल क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करेगा, Q इंटू वी से लिख लो। Q कितना है, चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह E लिख सकता हूँ एंड V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 20 इज इक्वल टू हाफ m इंटू V²। अब यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन आएगी। V की वैल्यू आप लिखेंगे अंडर रूट ट्वाइस ऑफ यहाँ क्या आएगा ई मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻-19 इंटू 20 डिवाइडेड बाय m एंड m इज 9.31 इंटू 10⁻¹⁰. So when you solve this, you get 2.65 into 10 raised power 6 meters per second. So the answer is option A.